بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله

हज़ू नबी करीम असलातम की सीरत मुबारक आपके अखलाक मुबारका के रोशनी में ये सिलसिला जारी है और आज उसकी पच्चीसवीं किस्त है मेरे अजीज़ों और दोस्तों हसन अख्लाकन सीरत का और हसन किरदार का आइनेदार हुआ करता है हज़ूर नबी करीम सल्ला सल वसल्लम के बारे में रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज खुश अखलाक और नेक सीरत थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हमेशा मुस्कराता हुआ था आप विकार और मतानत से गुफ्तु फरमाते थे किसी की खातिर शिकनी नहीं फरमाते थे किसी की दिल शिकनी नहीं फरमाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासन अखलाक इंसानियत की मारज हैं

वो आप अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से मुतासर हुआ और आपकी तारीफ़ किए बग़ैर न रह सका ये हुस्न अखलाक ही है कि आप जिस कौम में मवोस हुए उन्हें दुनिया की अला तरीन कौम बना दिया आप अलैहि वसल्लम हसन अखलाक के बारे में बहुत सी तलकिनत फरमाते हैं और इस सिलसिले में बेशुमार रवायात हैं उनका अहाता करना तो अभी बहुत मुश्किल है इस मुख्तर वक्त में लेकिन चंद अहादि से मुबारका और रिवायात मुबारका को नकल करके उसी पर हम इक्तफा करेंगे हज़रत अबू हिला त से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल किया गया या रसूल्ला वो कौन सी चीज़ है जिसकी कसरत लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी तो आपने फ़रमाया वो खौफ इलाही और औरिन अखलाक है हज़रत अबू हरेला रदी अल्लाह त से एक और रिवायत में है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सिर्फ इसलिए मबोस हुआ हूँ कि हसन अखलाक को पूरा करूँ इन नमाब लि उतम मकारीखलाक इसी तरीक़े से हज़रत अबू हरेरा रलील् तन से एक और रिवायत में मनकूल है कि रसूल पाक सल्ला तसल् ने फरमाया मुसलमानों में उस शख़्स का ईमान कामिल है जो उनमें सबसे ज़्यादा ख़ुश खुल्क यानी हसन अख्लाक का हो हजरत अमदरजा रली अल्लाह ताली आन से रिवायत है कि रसूल पाक सल्ला वसम ने फरमाया कोई चीज़ मीज़ानमल में हसन खलक़ से ज़्यादा वज़नदार न होगी एक मौके पर हज़रत आयशा रली तरमाती हैं कि रसूल सल्ह वसम ने फरमाया कि मुसलमान अपने हसन खल़ की वजह से कायमिल जो कि रातों को नमाज में खड़े रहें और साइम नहार जो दिन को रोज़ा रखें उनका दर्जा हासिल कर लेता है हज़रत अली करमल्ला वजहू से रिवायत है कि रसूल सल्ला तै वसम ने फरमाया बदखल्की आमाल को ऐसा ही ख़राब कर देती है जैसे सिर का शहद को ख़राब कर देता है एक रिवायत में है कि हज़रत इब्न उमर रदी अल्लाह तरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सब में मुझको उससे ज़्यादा महब्बत है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों सुन अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत रखें और आपकी नजर करम हमको हासिल हो तो उनको चाहिए कि वो हसन अखलाक का नमूना बने नबी करीम अलैहि वसल्लम की इस रिवायत की रोशनी में एक सहाबी ने हजूर नबी करीम सलात वसलम की ख़मत में अर्ज़ किया या रसूल्लह फला औरत नहायत कसरत से इबादत करती है और सदक़ा बखैरात भी करती है लेकिन उसके हमसाए उसकी ज़बान दराजी से बहुत परेशान और नाला रहते हैं हजूर ने फरमाया येत दोजख़ का कुंदा है फिर साहिल ने अर्ज़ किया कि यह अल्लाह, फला बीबी नमाज रोज़ा और सदक़ा व ख़ैरत तो वाजबी तौर पर अदा करती है मगर उसके हुस्न अखलाक की बदौलत उसके हमसाए उससे बहुत खुश हैं तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये खुश नसीब जन्नत में जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि किसी से मिलते वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम और मुसाफहा फरमाते हैं। कोई शख्स झुक कर आपके कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ़ से रुख न फेरते जब तक कि वो खुद मुंह न हटा ले मुसाफ़े में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो ख़ुद न छोड़ दे आप उसका हाथ न छोड़ते थे मजलिस में बैठते तो आपके जानू कभी हम नशीनों से आगे निकले हुए न होते एक दफ़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हुए तो देखा कि किसी ने मस्जिद में नाक साफ की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने दस्त मुबारक से एक कंकर लेकर उसको खुरश डाला और आइंदा लोगों को इस फैल से मना फरमाया अक्सर नौकर जाकर और लौंडी और ग़ुलाम खिदमत अकदस में पानी लेकर आते कि आप उसमें अपने हाथ डाल दें ताकि मुतबर्रक हो जाए जाड़ों के दिन और सुबह का वक्त होता ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनकार नहीं फरमाते एक दफ़ा आप सात बिन अबादा और से मिलने गए वापस आने लगे तो उन्होंने अपने साहबजादे हज़रत कैस को साथ कर दिया कि आ हज़रत सल्ला वसलम के हम रिकाब रिकाप जाए आजरत सल्हु वसम ने हज़रत कैस से कहा तुम भी मेरे ऊँट पर सवार हो जाओ उन्होंने बेअदबी के लिहाज से तमुल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या सवार हो जाओ या घर वापस चले जाओ तो वो वापस चले गए एक दफ़ा बादशाह नजाशी की तरफ से चंद सफ़ीर आए आपने उन्हें अपने यहाँ मेहमान रखा और ख़ुद बनफ से नफीस मेहमान नवाजी के तमाम काम अंजाम दिए सहाब कराम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि हम यह खिदमत अंजाम दे देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों ने मेरे दोस्तों की खिदमत की है इसलिए मैं ख़ुद उनकी खिदमत करना चाहता हूँ हज़रत गौतबानबिन मालिक रजी अल्ला जो अब बदर में से थे उनकी बीनाई में फ़र्क़ आ गया था आखिर हज़ूर अकरम सल् वसम की ख़िदमत अकदस में हाजिर होकर दरख्वास्त की कि मैं अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ लेकिन जब बारिश हो जाती है तो मस्जिद तक जाना मुश्किल होता है इसलिए अगर आप मेरे घर पर तशरीफ़ ले आएँ और नमाज़ पढ़ लें तो मैं उसी जगह को सजदगा बना लेता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन सुबह के वक्त हज़रत अबू सिद्दीक अबूबीक़दी को साथ लेकर उनके घर तशीफ ले गए और दरवाज़े पर ठहर कर इजाज़त मांगी अंदर से जवाब आया तो आप घर में तशरीफ़ ले गए और दरियाफ़ फरमाया कि कहाँ नमाज़ पढ़ूँ उन्होंने जगह बता दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कहकर दो रकात नमाज़ अदा की नमाज़ के बाद लोगों ने खाने के लिए इसरार किया खज़ीरा एक खाना हुआ करता है कीमे पर आटा छिरक कर तैयार करते हैं वो सामने आया महल के तमाम लोग खाने में शरीक हुए हज़रत अबू शुएब एक अंसारी थे उनका गुलाम बाजार में गोश्त की दुकान रखता था एक दिन वो ख़िदमत अकदस में हाजिर हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपब कराम अजमीन के हल्के में तशरीफ़ फ़रमाते और चेहरे से भूख का असर पैदा हुआ था अब शबील त ने जाकर ग़ुलाम से कहा पांच आदमियों का खाना तैयार करो खाना तैयार हो चुका तो हजूर की ख़िदमत अकदस में दरख्वास की कि सहाबा के साथ आप कदम रंजा फ़रमाएं, राह में एक और शख़्स साथ मिल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू शुएब से फरमाया कि ये शख्स कहने के बग़ैर साथ मिल गए हैं अगर तुम इजाज़त दो तो ये भी साथ में शामिल हो जाएं, वरना इनको रुक्सत कर दिया जाए उन्होंने कहा कि आप उनको भी साथ लाएं। हजरत अब्दुल्ला अंसारी इशाद फरमाते हैं कि मदीने में एक यहूदी रहता था जिससे मैं कर्ज़ लिया करता था एक साल इत्तेफाक से खजूरें नहीं फली और क़र्ज़ अदा न हो सका इस पर पूरा साल गुज़र गया बाहर आई तो यहूदी ने तकादा शुरू कर दिया कि इस मरतबा भी फल कम आए हैं मैंने आइंदा फ़सल की मोहलत मांगी उसने इनकार किया मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर आर्ज किया और तमाम वाक़ात बयान किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साहब कराम के साथ खुद यहूदी के घर तशरीफ़ ले गए और समझाया कि मोहलत दे दो उसने कहा अबुल कासिम मैं कभी मोहलत नहीं दूँगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखलिस्तान में तशरीफ़ ले गए और एक चक्कर लगाया फिर यहूदी के पास आए और उससे गुफ्तगू की लेकिन वह किसी तरह राज़ी न हुआ बिल आखिर आप अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि चबूतरे पर फर्श बिछा दो और उस पर आराम फरमाया और सो गए सोकर जब उठे तो फिर यहूदी से ख्वाहिश की कि मोहरत दे दो वो शकी अब भी नहीं माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों के झुंड में खड़े हो गए और जाबिर रज़ी अल्लाह कहा खजूरें तोड़नी शुरू कर दो तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से इतनी खजूरें निकलीं कि यहूदी का कर्ज़ अदा करके भी बच रही हज़रत अबू अन फरमाते हैं कि आपकी आदत थी कि हम लोगों के साथ मस्जिद में बैठ जाते हैं और बातें करते हैं जब उठकर घर में जाते हैं तो हम भी चले जाते हैं एक दिन हजब मामूल मस्जिद से निकले एक बद्दू आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक इस जोर से पकड़कर घसीटी और खींची कि आपकी गर्दन मुबारक सुर्ख हो गई आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने मुड़कर उसकी तरफ़ देखा बोला कि मेरे ऊँटों को गले से लाद दो वो ना आपका है ना आपके बाप का है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशास फरमाया कि पहले मेरी गर्दन का बदला दो तब गल्ला दिया जाएगा वो बार बार कहता था कि ख़ुदा की कसम मैं हरगिज़ बदला नहीं दूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊँटों पर जो और खजूरें लदवा दी और कुछ भी तारुज नहीं फरमाया सुहा कुरेश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी मारने की धमकी दी रास्तों में कांटे बिछाए जिसमें में अतहर पर नजासतें डाली गले में फंदा डाल कर खींचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ نعوذ नाऊज من मिजाल कभी जादूगर कभी पागल कभी शायर कहा लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनकी बातों पर बरहमी जाहिर नहीं फरमाई गरीब से ग़रीब आदमी भी जब किसी मजमे में झुटलाया जाता है तो वो गु़स्से से कांप उठता है एक साहब जिन्होंने हज़रत अलैहि वसल्लम को ज़िल मजाज़ के बाज़ार में इस्लाम की दावत देते हुए देखा था बयान करते हैं कि हजूर अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि लोगों इल्लल्लाह कहो तो नजात पाओगे पीछे पीछे अबू जहल था वो आप पर ख़ाक उड़ा उड़ा कर कह रहा था लोगों इस शख्स की बातें तुमको अपने मजहब से बरगश्त न कर दें ये ये चाहते हैं कि तुम अपने देवताओं लात और उज़्ज़ा को छोड़ दो रावी का कहना है कि आप सलाह व इस हालत में उसकी तरफ़ मुड़ कर देखते भी न थे जैद इबिनसाना जिस ज़माने में यहूदी थे लेन देन का कारोबार किया करते थे हजूर नबी करीम सला वम ने उनसे कुछ क़र्ज़ लिया था मियाद अदायगी में अभी कुछ दिन बाकी रह गए थे वो तकाज़े को आया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ कर खींची सख्त सुस्त कह कर कहा कि अब्दुल अब्दुलमतलब के ख़ानदान वालों तुम हमेशा ही हिल हवाले किया करते हो। हजरत उमर वली तन ग़ुस्से से बेताब हो गए उसकी तरफ़ मुखातब होकर कहा ओ दुश्मन खुदा तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर फरमाया, ए उमर मुझको तुमसे और कुछ उम्मीद थी उसको समझाना चाहिए था कि नरमी से तकाजा करें और मुझसे कहना चाहिए था कि मैं उसका कर्जा अदा कर दूँ यह फरमा कर हज़रतमर को इरशाद फरमाया कि कर्जा अदा करके बीस साह खजूर के और ज़्यादा दे दूँ एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्ला वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे एक औरत क़ब्र के पास बैठी रो रही थी आप रुक गए और उससे मुखातब होकर फरमाया सब्र करो वो आपको पहचानती न थी गुस्ताखी के साथ बोली हटो तुम क्या जान सकते हो कि मुझ पर क्या कैफियत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आए लोगों ने औरत से कहा तूने नहीं पहचाना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो वो दौड़ी हुई आई और कहा मैं हजूर को पहचानती नहीं थी इरशाद फरमाया कि सब्र वही है जो न मुसीबत के वक्त किया जाए हजरत अन जो कि खादी में खास थे उनका बयान है कि एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल वसम ने मुझको किसी काम के लिए भेजना चाहा मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा आप सल्ला वसम खामोश हो गए मैं ये कह कर बाहर चला गया दफातन नबी करीम सल्ला वसल्लम ने पीछे से आकर मेरी गर्दन पकड़ ली मैंने मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे फिर प्यार से फरमाया उन्हें जिस काम के लिए कहा था अब तो जाओ मैंने अर्ज़ किया कि अच्छा जाता हूँ हजरत अनस ने इसी वाक़े के साथ बयान किया कि मैंने सात बरस आपकी मुलाजमत की कभी ये नहीं फरमाया कि तुमने ये काम क्यों किया या ये क्यों नहीं किया हसन अखलाक पर मेरा जिज़ों और दोस्तों ये गुफ्तु जारी व सारी रहेगी अल्लाह सुबहन व दुआ है कि अल्लाह अपने फल से और अपने करम से हजूर नबी करीम आ सलात वसलाम के वसीले में हमारे अंदर और क़यामत तक और हमारी नस्लों के अंदर और इसी तरीक़े से पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर حضور النبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كأخلاق فرما فرماده آمين ثم آمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين